ऋषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहां होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, लीजिए हम आ गए आपके सामने लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है कृषि समाचार का, क्योंकि हमें पता है कि आप इसका कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मिलेगा 50% अनुदान। इस वित्तीय वर्ष में राज्य में करीब 60 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन की है उम्मीद। पिछात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं अनुशंसित प्रभेद माघी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 50% अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि किसानों के खाते में दी जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावे 13,080 पंप सेट का वितरण भी किया जाएगा। 6 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसमें से 2 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। कृषि विभाग ने इस साल राज्य में करीब 60 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन की संभावना जताई है। इसमें 17 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान लगाए गए हैं, 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर दलहन, 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर मक्का और 40,000 हेक्टेयर भूमि पर तेलहन लगाए गए हैं। इससे पहले वित्तीय वर्ष में 2011-12 में 50 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। दलहनी फसल अरहर की खेती करना कई दृष्टिकोण से फायदेमंद है। एक तो बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। दूसरा, अरहर के पौधे से गिरने वाले पत्ते मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। साथ ही राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए ऐसे भी प्रायः आप देखते होंगे कि जो हमारे अरहर का जो फसल है उसके पत्ते जो है खेतों में गिरते हैं। खेतों में गिरने से क्या होता है कि उसका उससे भी जो है उर्वरा शक्ति बढ़ता है। दूसरी चीज़ है कि जब हम अरहर की खेती करते हैं तो उसमें राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करते हैं, तो वो जो बीज उपचार करते हैं, राइजोबियम एक जीवाणु होता है, उसकी संख्या जो है उससे बीज शोधन करने में जो है उसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। और बढ़ने के साथ ही जो है उस जीवाणु का काम ये होता है कि वायुमंडल से जो है नाइट्रोजन लेकर करके और वो जो है पौधे के जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे जो है करीब करीब जो है प्रति हेक्टेयर करीब करीब 80 से 110 किलोग्राम के आसपास जो है वो पौधों को प्राप्त होता है और आने वाले अगले फसल भी जो है उनको भी वो लाभ पहुंचता है। किसान भाई, पिछात फूलगोभी की खेती के लिए नवंबर तक बुआई का काम किया जा सकता है। झारखंड में पिछात फूलगोभी से अच्छी उपज लेने के लिए अनुशंसित प्रभेद माघी, स्नोबॉल 16, डानिया, पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल 1 या के पूसा स्नोबॉल लगाएं। पिछात फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उत्पादन के लिए पिछात फूलगोभी के अनुशंसित उन्नत प्रभेदों में माघी, स्नोबॉल 16, डानिया, पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल 1 या के पूसा स्नोबॉल लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
अपने राज्य में धान कटाई के लिए ज्यादातर किसान हंसिया का ही इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई इस काम के लिए नवीन हंसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साधारण हंसुआ की तुलना में 26% मजदूरी की बचत तथा 27% संचालन खर्च में बचत कराता है। आइए आज जानते हैं प्याज के बिचड़े के उपचार करने के बारे में। यदि विलंब से प्याज का पौधा रोपण करना हो तो बिचड़े को खेत में लगाने से पहले कॉर्बोस्यूलफैल दवा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बिचड़े की जड़ों को उपचारित कर ले। यह उपचार कीट एवं रोग नियंत्रण में कारगर है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,950 रुपए से 2,350 रुपए, चावल मध्यम 2,400 रुपए से 2,900 रुपए, चावल उत्तम 3,300 रुपए से 6,000 रुपए, गेहूं 2,000 रुपए से 2,400 रुपए, चना 8,000 रुपए से 9,500 रुपए, दाल अरहर 8,300 रुपए से 9,500 रुपए, दाल मसूर 6,700 रुपए से 7,200 रुपए, दाल चना 9,000 रुपए से 10,000 रुपए, सरसों तेल 10,500 रुपए से 12,000 रुपए, चीनी 3,880 रुपए से 4,000 रुपए, आलू 1,200 रुपए से 1,800 रुपए और प्याज 700 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। तो किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक और छोटे से विराम का, तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपको देंगे ढेर सारी जानकारियां। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और हरी भाई, क्या हाल चाल? सब ठीक है जगत, तुम अपना सुना? अपना भी बहुत अच्छा है। ए बंसी भाई, एक जगह और समोसा लगाइए। नहीं भाई, मैं बाहर का चीज नहीं खाता। काहे? स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अरे वाह, आपको अपना स्वास्थ्य का बड़ी चिंता है, लेकिन जिस मिट्टी में फसल उगाते हैं उसका स्वास्थ्य का तो आपको चिंता नहीं? क्यों, मैंने क्या किया? अरे ये जो यूरिया आप घर लेकर के जा रहे हैं, इससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। वो कैसे? वो ऐसे, साधारण यूरिया के इस्तेमाल से मिट्टी के नीचे नाइट्रेट लेयर का निर्माण होता है, जिसके कारण फसल जमीन से मिलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता, के कारण हमें उत्पादन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। लेकिन कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है? उपाय तो हरी भैया अनेकों हैं। अब अगर हम साधारण यूरिया की जगह नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इससे यूरिया की खपत कम होती है
और 15-20% उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। वाह भाई वाह, मैं इसे अभी वापस करके नीम कोटेड यूरिया लाता हूँ। अरे भैया अब तो समोसा खा लो। किसान भाइयों, किसी भी फसल को लगाते समय हमें जरूरी है कि हम अपनी खेत की तैयारी सही तरीके से करें और साथ ही साथ उन्नत प्रभेदों का भी चयन सही तरीके से करें, क्योंकि अगर हम उन्नत प्रभेदों का चयन सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे फसलों को भी नुकसान होगा और हमें भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि रबी तिलहनी फसलों की खेती आप किस प्रकार से करेंगे और कौन कौन से उन्नत प्रभेद आप लगाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में कई बातों पर चर्चा करते हैं और आज इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि रबी के मौसम में तिलहनी फसलों को हम किस तरह से लगाएं और कौन कौन से प्रभेद हैं, और इस पर विस्तृत रूप से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर के लकड़ा जी हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए कि रबी के मौसम में कौन कौन से तिलहनी फसलें हैं जो कि यहाँ के किसान लगा सकते हैं। रबी के जो प्रमुख तिलहनी फसलें हैं जो यहाँ के झारखंड किसान भाई लगा सकते हैं, उसमें प्रमुख है तीसी है और दूसरी है तोरी और एक है सरसों। फिर कहीं कहीं किसान भाई ये सूरजमुखी के भी खेती करने के लिए जागरूक दिख रहे हैं जी। तो इनमें जो उन्नत प्रभेद की बात आती है, सबसे पहले हम अगर अधिक उपज की बात करें तो उन्नत प्रभेद बहुत ज़रूरी है कि उन्नत प्रभेदों का चयन किस प्रकार करना चाहिए और कौन फसल के लिए कौन कौन सी उन्नत प्रभेद हैं। तो मैं सबसे पहले जो तीसी की उन्नत किस्म है उसके बारे में बता देना चाहूँगी। इसके लिए जो एक है उन्नत किस्म है शेखर और दूसरी जो उन्नत किस्म है T397 और एक है शेखर। तो ये जो हम लोग पैरा क्रॉपिंग बोलते हैं, मतलब धान की खड़ी फसल में जहाँ पर नमी है नीची जमीन में और मध्यम जमीन में, इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं तीसी की पैरा क्रॉप के रूप में। दूसरी जो फसल है तोरी जिसको बोलते हैं, ये सरसों समूह की ही है लेकिन इसका पौधा थोड़ा सा छोटा होता है और ये सरसों की अपेक्षा कुछ दिन पहले लगता है। जैसे कि मौसम अभी आ ही गया है, सितंबर का सप्ताह है और अक्टूबर में घुस ही गया है, तो हम लोग इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए जो उन्नत किस्म है तोरी की वो है PT 303 और T9 और एक जो उन्नत किस्म है पंचाली, वो भी यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब जो हम लोग सरसों की बात करते हैं, ये थोड़े से तोरी के बाद देर से लगता है और इसकी जो उन्नत किस्म है जो यहाँ से विकसित की गई है वो मुख्य वेराइटी है शिवानी। फिर अभी जो हम लोग भरतपुर जहाँ सरसों की अच्छी पैदावार होती है वहाँ की भी एक वेराइटी है जो भारत सरसों 1 और 2 जो है वो यहाँ भी सुगमतापूर्वक उगाई जा रही है। और एक जो अच्छी किस्म है राजेंद्र सुपलाम, ये पूसा की भी वेराइटी है लेकिन यहाँ पर अच्छी उपज दे रही है। सूरजमुखी की जो उन्नत किस्म है ये है DRSF 108 जो करीब 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। और दूसरी जो संकर किस्म की है वो KBSH 44 है जो मतलब कि रबी सीजन में 95 से 100 दिन में पककर तैयार होती है और इसकी भी जो उपज क्षमता है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी जैसे खरीफ का मौसम जाएगा और उसके बाद रबी आएगा और भूमि का जो है वो अत्यधिक दोहन जो है खरीफ के समय में हो जाएगा, तो जो मिट्टी का प्रकार है उसमें भी बदलाव आ जाता है, तो उसको तिलहनी फसलों के हिसाब से तैयार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? तिलहनी फसलों के लिए है जैसे कि अभी कहीं कहीं पर जो जल्दी धान की किस्में हैं वो कट जाती हैं, तो किसान जहाँ से संभव हो सके तो उसे अति शीघ्र जुताई कर दें, और जैसे जुताई नहीं भी हो पाता है और मध्यम जमीन वाली खेत है वहाँ पर वो लोग तीसी ले सकते हैं। उसमें है कि खड़ी फसल में कतार से कतार बुआई अगर धान की है तो जो बीच में खाली पंक्ति है एसआरआई विधि से उन्होंने कर रखी तो ज़्यादा फायदा होगा, उसमें वो लोग तीसी ले सकते हैं। और जहाँ पर तोरी की बात आती है तो उसके लिए है कि जो टाँड वाली ज़मीन ये काफ़ी उपयुक्त होती है, क्योंकि वहाँ टाँड वाली में मकई है जो खरीफ की फसलें हैं और घोड़ा धान है वो जल्दी कट जाती हैं, तो इस केस में तोरी वहाँ पर किसान भाई ले सकते हैं। जहाँ थोड़ी देर होती है वहाँ पर ये लोग सरसों जो लंबी अवधि की है उसकी फसल ले सकते हैं। और इसके लिए कम से कम 2 जुताई तो करनी ही चाहिए, खेत की जुताई और कितने अंतराल पे करनी चाहिए? 10-15 दिन के अंतराल पर या ज़्यादा से ज़्यादा से 20 दिन के अंतराल पर जुताई करके अगर सही ये आ गया जो खेत में भुरभुरापन आ गया तो जुताई रोक के 2 जुताई ही काफ़ी है। आपने पहले प्रभेद के बारे में बताया हमारे किसान भाइयों को, लेकिन उसका लगाने का समय क्या है, क्योंकि जब जुताई के बीच में आप कह रही हैं कि 20 दिन का समय, तो कब समय जो है उपयुक्त होगा लगाने का? तीसी थोड़ा सा देर से लगता है लेकिन तोरी का तो अभी उपयुक्त समय आ ही गया है। किसान भाई यथासंभव हो तो अगर खेत खाली मिले और जुताई अगर कर पाते हैं तो तोरी ले सकते हैं वो लोग। और सरसों के लिए ये जो 15 नवंबर तक हम लोग बोलते हैं
उचित समय है, क्योंकि जो तो सरसों कुल के फसलें हैं इनको बढ़वार के लिए थोड़ा सा उच्च तापमान चाहिए, और जहां फूल आने लगे उस समय ठंडा मौसम ये पकड़ ले तो अच्छी पैदावार होती। मैडम, और हम अगर बात करें सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी का लगाने का उपयुक्त समय कब रहता है? सूरजमुखी हम किसान भाई ध्यान देंगे कि ये खरीफ में भी लगता है और ये जाड़ा में भी लगता है, तो जहाँ पर पटवन की सुविधा है ये ऊपरी जमीन में किसान भाई सुगमतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं, और इसके लिए ज़्यादा बलवाही मिट्टी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये उसकी हाइट काफ़ी होता है और इसे गिरने का चांस लोजिंग से ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसके लिए दोमट मिट्टी वाली या हल्की ये वाली मिट्टी, ज़्यादा बलवाही मिट्टी उपयुक्त नहीं है, दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। थोड़ी ठोस मिट्टी होनी चाहिए, थोड़ी ठोस मिट्टी होनी चाहिए ताकि पौधा खड़ा हो जाए, क्योंकि इसका जो डिस्क बनेगा उस समय काफ़ी भारी हो जाता है, वो पौधा सहन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भी उचित समय है जो बुआई का, ये है 15 नवंबर तक किसान भाई कर सकते हैं सूरजमुखी, क्योंकि जो जाड़ा की जितनी जो मुखिया फसलें हैं तलहनी वाली 15 नवंबर तक कर देने से अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि इनको चाहिए फूल और फली आने समय, दाना बनते समय थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए। मैडम, अभी आपने सिंचाई के बारे में बताया कि सूरजमुखी के लिए थोड़ी ऊपरी जमीन होनी चाहिए, तो क्या जो अन्य जो तिलहनी फसलें हैं चाहे तीसी हो, तोरी हो, सरसों हो, उसके लिए सिंचाई और उर्वरक इन दोनों का काफी महत्व है, तो इसके बारे में किसान भाइयों को बताइए कि कब और कितने अंतराल के बाद में सिंचाई होनी चाहिए और उर्वरक की मात्रा क्या हो? जो तीसी और तोरी के लिए है उसके समय बुआई या खेत की तैयारी करते समय 45 किलो डीएपी, फिर बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब पौधा खड़ा हो जाए उस समय फिर 45 किलो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए, और बुआई के समय ही फिर 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, क्योंकि ध्यान दें किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग कम करते हैं, और ये संतुलित अगर हम लोग खाद की मात्रा बोलें तो म्यूरेट ऑफ पोटास भी देना बहुत ज़रूरी है। और जहां तक है सरसों की बात आती है, चूँकि ये थोड़ी सी लंबी अवधि है तो इसके लिए शुरू में 88 किलो डीएपी, उसके बाद टॉप ड्रेसिंग 45 किलो यूरिया के रूप में देना चाहिए, फिर 35 किलो डीएपी, इसकी भी मात्रा डीएपी की भी मात्रा 35 किलो डीएपी बुआई के समय देना चाहिए। चूँकि फिर मैं भी ये बता देना चाहूँ, चूँकि ये एक तेलहनी फसल है और तेलहन बनने में जो सल्फर पोषक तत्व है खाद है तो उसको बहुत ज़रूरी है, तो अगर किसान भाइयों के पास सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में खाद उपलब्ध है तो ध्यान देना चाहिए कि सिंगल फॉस्फेट SSP खाद को देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सल्फर भी रहता है और इससे तेल की मात्रा, जो बीज में तेल की मात्रा होगी उसकी बढ़ोतरी करता है ये सर। चलते हमारे किसान भाइयों को एक सवाल जो हमारा रह गया था कि सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में, और क्या विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है तेलहनी फसलों को? कि सिंचाई, चूँकि ये जो हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं ये रबी फसल है, और ये जानना ज़रूरी भी है कि ये फसलें जो हैं सिंचाई के बिना तो उपज नहीं, कुछ जैसे हैं तोरी ये तो रेनफेड में भी हो जाएगा क्योंकि आघात लगता है, लेकिन जो बाकी फसलें हम लोग बोल रहे हैं जो सरसों है इसके लिए और सूरजमुखी के लिए सिंचाई काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि पानी की यहाँ झारखंड में कमी है, तो सबसे पहले किसान भाई ध्यान दें कि फसलों की भी कुछ अवधि कांतिक अवधि होती है, उस समय सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सरसों में जो है फूल आने वाली अवस्था, फूल जो 45 दिन में करीब आती है तो उस समय पटवन करना बहुत ज़रूरी है, और फली बनते समय उस समय पटवन करना, जो 65 दिन में करीब आती है उस समय पटवन करना बहुत ज़रूरी है। जिससे हम लोग देखते हैं किसान भाई तो खेत सूखते जा रहे हैं और पटवन करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पानी की उपलब्धता और उपयोगिता को बढ़ाते हुए सिंचाई करना चाहें तो पौधे की कांतिक अवस्था जिसमें पौधे को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है उसको पहचानते हुए सिंचाई करना चाहिए, और इसके लिए है कि जो सरसों में जो अवधि है वो है फूल आने वाली अवस्था जो 45 दिन में आती है, और एक फली बनते समय जो 65 से 70 दिन में आती है, तो उस समय पटवन करना बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपने हमारे किसान भाइयों को जो तिलहनी फसल है जो रबी में लगती है उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो आपकी बात को समझेंगे और इससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उनको लाभ होगा। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे किसान भाइयों से इतनी अच्छी बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार किसान भाइयों। तो कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना जानकारियाँ? अभी और भी हैं किसान भाइयों, क्योंकि हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा,
बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि खेत की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खेत की तैयारी सही तरीके से नहीं करेंगे और कृषि कार्य सही तरीके से नहीं करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप दलहनी फसलों की खेती कर रहे हो तो उसकी खेती किस प्रकार से करेंगे और कौन कौन से कृषि कार्य करेंगे उसके बारे में भी हम आपको देंगे ढेर सारी जानकारियाँ, और इसके लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस कार्यक्रम में हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं, आपको नई नई जानकारी देते हैं। उसी क्रम में आज का हमारा विषय है दलहनी फसलों में कीट प्रबंधन और समुचित कृषि कार्य। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार। हम अपने किसान भाइयों से बात कर रहे हैं दलहनी फसलों के बारे में। तो झारखंड के परिवेश को देखते हुए, यहाँ के वायुमंडल को देखते हुए, सर यहाँ पर दलहनी फसलों की क्या संभावनाएँ हैं? झारखंड में दलहनी फसलों की खेती खरीफ में होती है, रबी में होती है और कुछ गर्मा में भी होता है। तो खरीफ की जो दलहनी फसलें हैं वे हैं कुलथी, मूंग, उड़द और अरहर, और जो रबी में होता है उसमें है चना, मसूर, मटर, और गर्मा फसल में जो हम दलहन लेते हैं उसमें मूंग प्रमुख है। ये सारे फसल दलहनी फसलों के ही हैं। तो झारखंड में इसके उत्पादन बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है, होता भी है। इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इसमें दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। ऐसा करने से हम जो दलहनी का जो मांग है उसकी पूर्ति करने में हम सहायक सिद्ध होंगे। जो भी हमारे किसान भाई दलहनी फसल लगाएंगे अपने खेतों में तो मुख्यतः देखी जाती है कि उनके फसलों में कीटों का प्रकोप हो जाता है, तो कौन कौन से ऐसे मुख्य कीट हैं जिसके कारण उनके फसल को नुकसान पहुँचता है, ये हमारे किसान भाई। पहले हम खरीफ फसल को लेते हैं तो खरीफ में मूंग, उड़द, कुलथी और अरहर, तो ये फसल हैं जो खरीफ में हम दलहनी का लेते हैं। तो इसमें जो कीड़े हानिकारक कीड़े हैं तो पहले तो बुआई के समय दीमक का प्रकोप होता है जो कि उसके जड़ को नष्ट करते हैं। उसके बाद आता है पत्ती खाने वाले कीड़े, उसमें प्रमुख है भुआ पिल्लू जो रोएदार पिल्लू होता है। उसके बाद फिर जब फलियाँ बनती है तो फली छेदक का प्रकोप होता है। तो ये हो गया खरीफ की दलहनी फसलों के हानिकारक की। अब आते हैं रबी में, तो रबी में दीमक का प्रकोप तो होता ही है, उसके अलावा फली छेदक का प्रकोप होता है और तापमान कम होने के कारण उसमें लाही का प्रकोप भी होता है। उसके अलावे जब हम गर्मा की बात करते हैं तो उसमें मूंग की खेती होती है। मूंग की खेती में जो गर्मा में हम लोग करते हैं तो उसमें फली छेदक का प्रकोप होता है और उसमें बीमारी होती है मोज़ेक बीमारी, और उसके अलावा एक और होता है लाल बरोथी, क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण पत्तियों पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में संक्रमण होता है। हमारे किसान भाई के फसल में ये कीटों का प्रकोप हुआ तो उनके लक्षण क्या होगा, ये कीटों को पहचाने किस तरह से? हमारे किसान फलियों में छेद करके उसके अंदर वाले दाने को खाते हैं, ये कीड़े होते हैं फली छेदक। तो अगर फलियों में जहाँ तहाँ छेद बना हो इसका मतलब हुआ कि उसमें फली छेद का प्रकोप हो गया है, उसकी रोकथाम की उपाय करना आवश्यक होगा। तो अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जब हमारे किसान भाई उस लक्षण को पहचान चुके हैं कौन कौन से कीट उनके फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसको किस तरह से उसका रोकथाम करें, उसे किस तरह से बचाएं, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दीमक की बात आती है, चूँकि बुआई के समय से उसका संक्रमण शुरू होता है, तो दीमक से बचने के लिए दो उपाय है। एक उपाय तो है कि बीज का उपचार क्लोरोपाइरीफॉस नामक तरल कीटनाशी से करें। मात्रा होगा अगर मूंग उड़द कुलथी है तो उसमें 4 मिलीलीटर प्रति किलो 20 ग्राम की दर से उसको 50 ml पानी मिला लें और उससे उपचारित कर लें, तब उसकी बुआई करें उसको 6 महीने सुखाने के बाद। और अगर अरहर की खेती करनी है तो अरहर के बीज उपचार के लिए 5 ml से लेकर 6 ml क्लोरोपाइरीफॉस तरल कीटनाशी को 50 ml पानी में मिला लें और 1 किलो बीज को इससे उपचारित करें और छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद इसकी बुआई करेंगे तो दीमक का प्रकोप नहीं होगा, इस तरह से आप दीमक से बच जाएंगे। अब आता है उसके बाद भुआ पिल्लू का जो प्रकोप होता है, तो भुआ पिल्लू का जब ही आप खेत में देखेंगे जहाँ तहाँ अगर यत्र तत्र उसका आक्रमण हो रहा है, उसका लक्षण दिख रहे हैं, तो उसमें उसके रोकथाम के लिए ट्राइजोफॉस नाम का कीटनाशी बाजार में मिलता था, कीटनाशी है, उसको पानी में 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लें और उस घोल को
आपका अपना क्षेत्रफल के हिसाब से छिड़काव मशीन के द्वारा खड़ी फसल पर 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता के हिसाब से छिड़काव करें, तो इस तरह से भुआ पिल्लू से अभी भी अपने फसल को बचा सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए जैसे दीमक की बात हम करते हैं, तो उसके लिए है कि हर हाल में खेत में सड़ा हुआ गोबर या कंपोस्ट ही डालें। कच्चा गोबर डालने से उसमें दीमक का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है और पौधा को पोषण जो मिलना चाहिए वो भी सही से नहीं मिल पाता है, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। एक तो हुआ कि सड़ा हुआ या पूर्ण विघटित रूप से गोबर खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करना, दूसरा कि करण या नीम की खली का बुआई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसके अलावे जो नीम से निर्मित कीटनाशक बाजार में मिलता है, उसका दर्जनों नाम है, उसमें किसी एक का जैसे निमेक्टीन है, अचूक है, निमेसिडीन है, निमार्क है, नीम गोल्ड है, इस तरह कई नाम हैं, उसमें से किसी एक को किसान खरीद लें और उसका 4 से 5 ml तरल लेकर के पानी में घोल, 1 लीटर पानी में घोल बना लें और क्षेत्रफल के हिसाब से इसका छिड़काव खड़ी फसल पर आवश्यकता के हिसाब से करने पर जो हानिकारक कीड़े हैं, चाहे वो भुआ पिल्लू है या फली छेदक है, सब का नियंत्रण इसके द्वारा हो जाएगा। खाली आवश्यकता यही है कि जब कीड़ा का प्रकोप हो अगर तभी इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा इससे खर्च बढ़ता है, जब समस्या नहीं तो इसका उपयोग करना ठीक नहीं है, समस्या होने के बाद ही इसका उपयोग करना। किसान भाई, आपने देखा कि अगर आपके दलहनी फसलों में कीट का प्रकोप होता है तो आप इसका किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, और सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाई को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? तो किसान भाइयों, रुकिए, अभी हम आपको लिए चलते हैं IMD पुणे, जहां हम आपको कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियां देंगे। आकाश में बादल रहेंगे, हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऊपरी जमीन में देर से बोई गई धान तथा जुलाई में रोपा गया धान प्रजनन अवस्था में है, अगर इनमें कीट का प्रकोप दिखे तो अविलंब उचित कीटनाशी दवा का छिड़काव या भुरकाव करें। राज्य के जो किसान मकई की कटाई कर चुके हैं, वे भंडारण से पहले भुट्टा का छिलका निकाल कर धूप में सुखाएं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? उम्दा थी ना, और महत्वपूर्ण भी थी। तो ऐसी ही जानकारियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे, मगर उससे पहले किसान भाइयों, कागज और कलम उठा लीजिए, क्योंकि आपको हम जो है ये बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव है तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रायपुर रांची। क्या है 8340001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतजार, और हाँ, हमेशा की तरह हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे ही विशेष जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।